दोस्तों आप YouTube वीडियोस तो जरूर देखते होंगे क्योंकि अभी आप एक YouTube वीडियो ही देख रहे हैं। तो कई बार दोस्तों हमारे मन में ये सवाल आता है कि जिसकी वीडियो हम देख रहे हैं उसने अपना चैनल कैसे क्रिएट किया होगा, क्या 2021 में हम भी अपना खुद का चैनल क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम भी YouTube से पैसे कमा सकते हैं। तो इसका बिल्कुल एक ही जवाब है दोस्तों मेरे पास, जी हाँ, आप भी अपना खुद का चैनल क्रिएट कर सकते हैं और आप भी YouTube से पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे दोस्तों कि कैसे आप अपना खुद का एक प्रोफेशनल YouTube चैनल क्रिएट कर सकते हैं और आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको जो भी स्टेप्स आपको बताऊंगा वो आपको एंड तक फॉलो करना है। और एक बात दोस्तों बता दूं आपको कि एक चैनल को क्रिएट करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत होगी। सबसे पहला एक फ्रेश जीमेल आईडी और दूसरा आपका एक मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर से आपका अकाउंट जो है वेरीफाई होता है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपना खुद का एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे और आप उसे जो है पैसे भी कमा पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चूंकि दोस्तों ये बिल्कुल बिगिनर वीडियो है, एकदम बेसिक वीडियो है, तो बहुत सारे लोग हैं जो है इसको बिगिनर लोग देख रहे होंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब भी हम YouTube पे आते हैं तो हम दो तरीके से आते हैं। पहला या तो एज ए व्यूअर या तो एज ए क्रिएटर। अब व्यूअर और क्रिएटर क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप YouTube पे आते हैं कुछ इन्जॉयमेंट के पर्पज़ से या फिर कुछ नॉलेज लेने के पर्पज़ से या फिर कुछ सीखने के पर्पज़ से आप वीडियो को इन्जॉय करने आते हैं, वीडियो को देखने आते हैं सिर्फ, तब आप एक व्यूअर है। लेकिन वहीं पे दोस्तों अगर आपका चैनल है और आप वीडियो प्रोडक्शन करते हैं, आप वीडियो जो है क्रिएट करते हैं, आप कॉन्टेंट बनाते हैं और उसके बाद आप उसको अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, तो आप एक क्रिएटर है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा व्यूअर और क्रिएटर। तो अभी दोस्तों इस वीडियो में हम क्रिएटर की बात करेंगे क्योंकि अभी आप एक चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो आप एक क्रिएटर है। तो चलिए दोस्तों अब हम चैनल क्रिएट करते हैं और देखते हैं सारे स्टेप्स को कि कैसे हम एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं और उसे जो है पैसे भी कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको यूट्यूब पे आना है, ठीक है। अपने ब्राउज़र में सर्च करेंगे यूट्यूब और उसके बाद जो है हम अपने यूट्यूब पे आ जाएंगे ब्राउज़र में, ओके। तो जब हम YouTube पे आ जाएंगे दोस्तों उसके बाद क्या करना है कि आपको अपने Gmail ID से यहाँ पे लॉगिन करना है। मैंने आपको बताया था पहले कि आपको एक फ्रेश Gmail ID चाहिए होगा और आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा जिससे आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। तो सिंपली से दोस्तों यहाँ पे आपको उस ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। तो अभी मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ अपने अकाउंट से। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पे अभी अपने अकाउंट से लॉगिन कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, और आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट योर चैनल, तो सिंपली से इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने जिस आपका जो जीमेल आईडी है उसमें जो नाम है उसी नाम से आप अपना चैनल क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप कोई कस्टम नेम रखना चाहते हैं, कोई दूसरा नाम। तो हम यहाँ पे दोस्तों वही नाम रखते हैं क्योंकि हम एक डेमो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उसी को रख के जो है सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा अकाउंट जो है फाइनली क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर ये जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करने को कह रहा है, जहाँ पे आप अपना सोशल मीडिया का लिंक्स वगैरह डाल सकते हैं, आप अपने यहाँ पे चैनल के अबाउट के चैनल के बारे में लिख सकते हैं और उसके बाद आप इसमें कोई कीवर्ड डाल सकते हैं, टाइटल डाल सकते हैं वगैरह वगैरह, और यहाँ पे सेव कर सकते हैं। बाय द वे अभी मैं इसको जो है कैंसिल कर रहा हूँ, अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्किप करते हैं और देख सकते हैं दोस्तों कि हम यहाँ पे पहुँच गए यूट्यूब पे और मेरा अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है, मतलब मेरा चैनल क्रिएट हो चुका है। अब हम चैनल पे कैसे जाएंगे, तो फिर से ये जो ब्लू वाला जो आपको प्रोफाइल आइकन दिख रहा है सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा योर क्रिएटर स्टूडियो, सिंपली से इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने क्रिएटर स्टूडियो के अंदर में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब क्रिएटर स्टूडियो के अंदर आ जाएंगे तो सिंपली दोस्तों अब हमको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तब हमको अंदर में कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे जिसमें आपको क्लिक करना है यहाँ पे चैनल वाला ऑप्शन पे, ठीक है। तो ये जो फीचर वाला थर्ड वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखिए लास्ट में आपका फ़ोन नंबर वेरीफिकेशन का एक ऑप्शन है, तो सिंपली से दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे।
जब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये आपको कहेगा कि आप अपने कंट्री को सेलेक्ट कीजिए कि आप कौन से कंट्री से जो है इस चैनल को क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैं जो है इंडिया से हूँ, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे, तो फटाफट हम इसको डाल लेते हैं। अब दोस्तों मेरे इस मोबाइल नंबर पे जो है एक OTP आएगा और वो 6 डिजिट का होगा, और उसको यहाँ पे डाल के सबमिट करना होगा। उसके बाद जो है हम बहुत सारे चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज़ इसको नहीं यूज़ कर पाएंगे। 15 मिनट से लंबा वीडियो हम इसमें अपलोड नहीं कर सकते बिना वेरीफाई किए हुए, लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं, अपना कस्टम यूज़र नेम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम इसमें लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं, हम कस्टम थंबनेल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं बिना आपको अकाउंट वेरीफाई किए हुए। तो फटाफट से इसको वेरीफाई कर लेते हैं और देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा अकाउंट जो है वेरीफाई हो चुका है। तो अब जो है मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है अपना कम्प्लीटली चैनल क्रिएट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं आप इसमें प्रोफाइल पिक्चर लगाना या फिर अपना चैनल आर्ट लगाना, तो वो भी आप लगा सकते हैं। कस्टमाइज चैनल के अंदर जाएंगे, उसके बाद वहाँ से आप कस्टमाइज करके सब कुछ लगा सकते हैं। आप लिंक वगैरह भी जो है आप इसमें लगा सकते हैं। तो बहुत सारे इसके अंदर सेटिंग्स होता है, तो वो सेटिंग्स आप खुद से चेक करेंगे तो आपको सारा समझ में आने लग जाएगा। अगर इसके बारे में एकदम बेसिक नॉलेज चाहिए कौन सा ऑप्शन से क्या होता है, कैसे कैसे किससे क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, तो उसके ऊपर भी जो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता इस वीडियो को और काफ़ी लंबा खींचना। तो अगर आप इसके बारे में एकदम डिटेल से और भी समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितनी आसानी और कितने सिंपल तरीके से हमने जो है अपना एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया। अभी यहाँ पे प्रोफेशनल का क्या मतलब होता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब आप किसी काम को क्यूरियस होकर कंसिस्टेंटली बेसिस पे करते हैं और डे बाय डे आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो आप ऑटोमेटिक जो है प्रोफेशनल बन जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी काम को फन के लिए करते हैं, मजाक में करते हैं और आप उसके लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, तो कभी भी आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना सुझाव कमेंट करना मत भूलना। और आज का दोस्तों आपसे सवाल यही है कि क्या आप एक यूट्यूबर है या फिर नहीं, नीचे लिख देना कमेंट्स में। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी लिख दीजिए नीचे कमेंट्स में। अगर अभी तक आपने हमने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है, जाके आप हमें वहाँ पे फॉलो कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और भी कमाल के ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।